दोस्तों आपको आज बताएंगे हम भारत के बैंक की स्थापना कब हुई थी और उसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो के अंतिम में आपसे 10 सवाल पूछे जाएंगे जो इसी वीडियो से लिए गए हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको सवाल के जवाब भी देने हैं। तो आप ध्यान से देखिए और स्किप ना करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन दबा दें। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। प्लीज चलते हैं आप, चलिए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो तैयार हो जाइए। चलिए दोस्तों, हमारा पहला सवाल, भारत रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो भारत रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला सवाल दोस्तों, भारत स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका ये 1955 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई में। अगला सवाल, इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो सन 1865 में और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। अगला सवाल, आंध्र बैंक की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है। सन 1923 में और इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। अगला सवाल, बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना सन 1908 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय बड़ोदरा में है। अगला सवाल, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला सवाल दोस्तों, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो सन 1935 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय पुणे में है। अगला सवाल, केनरा बैंक की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों केनरा बैंक की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। अगला सवाल, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1911 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला सवाल, कॉरपोरेशन बैंक की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका जवाब है सन 1906 ईस्वी में और इसका मुख्यालय मैंगलोर में है। अगला सवाल, आईडीबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है। सन 1964 में आईडीबीआई बैंक की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इंडियन बैंक की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय चेन्नई में है। अगला सवाल, इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना सन 1935 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय चेन्नई में है। ध्यान से देखते रहिए दोस्तों, स्किप ना करें। चलिए अगला सवाल, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है। सन 1943 में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय गुरुग्राम है। अगला सवाल, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो सन 1894 ईस्वी में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। पंजाब नेशनल बैंक की का मुख्यालय नई दिल्ली में है दोस्तों। अगला सवाल, पंजाब एंड सिंध बैंक की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो पंजाब एंड सिंध बैंक की स्थापना सन 1908 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। चलिए दोस्तों अगला सवाल, सिंडिकेट बैंक की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो सिंडिकेट बैंक की स्थापना सन 1925 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय कर्नाटक में है। अगला
सवाल दोस्तों, यूको बैंक की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो यूको बैंक की स्थापना 1943 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। अगला सवाल, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1919 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला सवाल, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? सन 1950 में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो एक्सिस बैंक की स्थापना सन 2007 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला सवाल दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना सन 1955 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। ध्यान से देखते रहिए दोस्तों, स्किप ना करें, लास्ट में 10 सवालों के जवाब भी देने हैं आपको। तो अगला सवाल, HDFC बैंक की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर होगा सन 1994 में और इसका मुख्यालय मुंबई में है। एच डी एफ सी बैंक की स्थापना 1994 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला सवाल दोस्तों, IDFC बैंक की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? सन 2015 में IDFC बैंक की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला सवाल, कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इसका उत्तर है सन 2003 में और इसका मुख्यालय मुंबई में है। कोटक महिंद्रा का मुख्यालय मुंबई में है। अगला सवाल, HSBC बैंक की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? सन 1853 में HSBC बैंक की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय लंदन में है। ये भारतीय बैंक है लेकिन इसका मुख्यालय लंदन में है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल, इंडसइंड बैंक की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इंडसइंड बैंक की स्थापना 1944 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला सवाल दोस्तों, यस बैंक की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? उत्तर होगा, यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला सवाल, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो उत्तर होगा दोस्तों हमारा सन 2018 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लेटेस्ट बैंक है जो अभी अभी खुला है 2018 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल, बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय क्या है? तो दोस्तों बंधन बैंक की स्थापना 2015 में हुई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, हम 30 सवाल लिए थे और 30 सवाल आपको आपको दिखाया गया, तो आप अब चलिए आपसे पूछे जाएंगे 10 सवाल जो इन्हीं वीडियो में से लिया गया है। चलिए 10 सवाल का जवाब देने हैं आपको, तो तैयार हो जाइए। तो किस राज्य में कितने बैंकों की का मुख्यालय है? तो आपको ये जवाब देना है, बहुत ही आसान जवाब है दोस्तों, अगर वीडियो आपने स्किप ना किया हो तो। बहुत ही आसान सवालों का जवाब है। तो मुंबई में कितने बैंक है आपको ये बताना है, बैंक का मुख्यालय है ये बताना है। कोलकाता में कितने मुख्यालय हैं बैंकों के, चेन्नई में कितने बैंकों के मुख्यालय हैं, नई दिल्ली में कितने बैंकों के मुख्यालय हैं, हैदराबाद में कितने बैंकों के मुख्यालय हैं, ये आपको बताना है। 5 सवाल हो गए, छवा है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा बैंकों का मुख्यालय है? हाँ दोस्तों ये भी बताना है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा बैंकों के मुख्यालय हैं। और अगला है, इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये जवाब देना है आपको, वीडियो में ये दिखाया गया है आपको, तो इसका इसका भी जवाब दे देंगे आप।
आठवां है, भारत का कौन से बैंक के मुख्यालय लंदन में है? तो आपने आपको बताया मैंने कि वो कौन सा बैंक है, बैंक भारतीय बैंक है जिसका मुख्यालय लंदन में है, तो वो आपको बता देना है। अब ये है नौवां सवाल, सन 1900 से 1955 कुल कितने बैंकों की स्थापना हुई? तो आपको सन बताए गए हैं, सन में से आपको देख देख कर बताना है कि 1900 से 1955 के बीच कौन कौन से बैंक आ रहे हैं और उसके जवाब देने हैं। अगला है सन 2000, 2000 के बाद कितने बैंकों की स्थापना हुई? तो सन 2000 के बाद कितने बैंकों की स्थापना हुई ये भी आपको देखना है, वीडियो में दिखाया गया है। तो ये ही रहे आज के 10 सवाल, और जो इस सवालों का बेहतर जवाब देगा अगले वीडियो में उनको उनके लिए कुछ बोला जाएगा, कुछ कुछ लाइनें बोले जाएंगी। तो आप जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।